मॉर्निंग ग्लोरी में फ्रेंड्स, मेरे शहर की सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत खूबसूरत मेरा शहर है, बहुत सुंदर यहाँ का क्लाइमेट है। अभी भी जो है यहाँ मॉर्निंग में इतना ठंडा है कि मुझे स्वेटर पहनना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा यहाँ का क्लाइमेट है, बहुत गर्म यहाँ नहीं होता है, बहुत ठंड, मतलब ठंड तो अच्छी खासी होती है बट गर्म बहुत नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ गर्मी पड़ती है तो तुरंत ही जो है यहाँ बारिश हो जाती है, क्योंकि जो ये शहर है मेरा, ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच में एक घाटी है और बहुत खूबसूरत घाटी है। तो कभी आइए मेरे शहर को देखने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। आज का जो वीडियो का विषय है फ्रेंड, वो ये है कि ये मेरे प्लांट्स हैं और मेरी गार्डनिंग होती है। अब मैं क्या करती हूँ अपने इस गार्डन के जो मेरे जो मेरा वेस्ट होता है, मेरे प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है, सूखी पत्तियाँ होती है, मेरे जो मैं जो जो भी सब्जियाँ लगाती हूँ उसकी जो वेस्ट होती है, उसका मैं क्या करती हूँ। तो आइए बने रहे वीडियो में, आगे मैं आपको बताऊँगी मैं उन सब का, उस सारे वेस्ट का क्या करती हूँ जिससे कि मुझे बहुत अच्छी जो है उसकी जो रिसाइकलिंग होती है वो आप देखते रहिए। आइए, ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो है ये मेरा एक कूलर का बॉक्स था। और ये देखिए आप, मैंने क्या किया है इसको, मैंने इसको अपनी सारी जो है किचन वेस्ट, ये सॉरी गार्डन वेस्ट से भर दिया है। ये मेरी फूलों के फूल हैं, कुछ वेस्ट फूल हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं, ये मेरे कुछ ये मेरे कुछ गार्डन प्लांट्स हैं, ये मेरे कनेर की पत्तियां हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये मेरे, ये देखिए ये गोभी के डंठल हैं। और इस तरीके से देखेंगे आप तो ये मेरे सरसों हैं, कुछ क्यारी से कुछ राई हैं। इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे डीपली तो बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब लगभग फ्रेंड ये जो डिब्बा है, ये जो पेटी है, ये पूरी फुल हो चुकी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अभी तक मैंने इसको जो है इस टाइप से ढक के रखा हुआ था। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो है मुझे इसमें बहुत अच्छी जो है मेरी प्लांट्स मिले, बहुत अच्छे मेरे प्लांट्स की ग्रोथ हो। तो आप ये देखिए, ये जो है ये कुछ प्लांट्स, कुछ फूलों के पौधे हैं। ये देखिए, ये मेरी पालक थी, ये मेरी पालक की जो है वेस्टेज है, जो मेरी छत में पालक लगी हुई थी, जो मेरी राई लगी हुई थी छत में उसकी वेस्टेज है। तो इस टाइप से जो है मैंने ये सारा पूरा फिल कर दिया है। अब इस कैस क्या मैं इसमें करूँगी जिससे कि मुझे इसमें बहुत अच्छी फसल मिले। तो फ्रेंड इसमें मैं ज़्यादा, ये देखिए ये मेरी हल्दी का, तो इस तरह से जो है एंटीऑक्सीडेंट और कीटनाशक, इस तरीके से देखिए मेरी कनेर की पत्तियां हैं। तो मैं कुछ भी बाहर नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड, सब कुछ अपने जो भी मेरे गार्डन से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी पत्तियां निकलती हैं, वो सारा मैं स्टोर कर लेती हूँ और उसको मैं किस तरीके से रीयूज करती हूँ। तो बने रहे वीडियो में और देखें आगे मैं क्या कर रही हूँ, क्या करती हूँ। तो आज जो है मैंने, ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो है इसको ऊपर तक काउडंग और मिट्टी जो है मैंने इसमें दोनों मिला करके इसको फिल कर लिया है। और अब जो है मैं इसमें अपना आराम से कोई भी प्लांट इसमें लगा सकती हूँ। ये देखिए है ना, तो अब जो भी मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी उसको एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसमें जो है ये डिब्बा है, काफ़ी बड़ा जो है ये एक लगभग एक ड्रम के बराबर ये डिब्बा है। और बस मुश्किल से ये इसी सीज़न चलेगा, इसलिए मुझे इसमें सिर्फ एक सीजनली प्लांट ही लगाना है। तो आज जो हूँ मैं इसमें लगाऊंगी एक कद्दू की बेल। तो बने रहे वीडियो में और आगे देखें किस तरीके से जो है मैं कद्दू को रिपोर्ट करती हूँ। तो आइए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो है कद्दू की जो है पहले पौध निकाल दी थी, ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है इन पौध के बारे में। तो इस तरीके से जो है आप डीप से जा कर के इस तरीके से, यहाँ देखिए इस तरीके से आप डीप में जा कर के आराम से जो है आपको पौध को निकालना है। और ये मैं
आज इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। इस तरीके से फ्रेंड आपका जो है कद्दू की बेल के लिए एक अच्छा खासा बड़ा पॉट आपको मिल गया, और इसमें आपको ज़्यादा खाद की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे खुद ही डिकम्पोज होता रहेगा और आपको खाद मिलती रहेगी। और डिकम्पोज होने के बाद जो है इसका जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, आपको बस इसमें थोड़ा और मिट्टी और खाद फिल करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे जो है ये प्लांट आपका ग्रो होता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक्स। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।